प्रयागराज से छोटी सी बात पर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। 22 साल के सोनू यादव को कथित तौर पर गांव के ही कुछ लोगों ने मार डाला। कारण ये बताया जा रहा है कि उसने एक वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला जो कुछ लोगों को नागवार गुजरा। उसे ये वीडियो हटाने के लिए कहा गया। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे लाठी से पीटा गया। इससे सोनू यादव की मौत हो गई। अब पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने इस हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। काहे फोटो लगाए रहे बच्चा फेसबुक पर, इसीलिए पूछा कि हमारे मोबाइल पर क्यों फोटो लगाया अखिलेश के, तो इसीलिए गाली दिया थे। फोन लगाई के पूछा कि काहे हमें गाली देते हैं, काहे साले तुम्हारे पटक के मुँह मूत दे। इतने हुआ से इतने मोट के बंगरा लेके आया साहेब, हमारे बच्चे के ये ढोंगारने लगा, ये छूछे हाथे खड़ा रहा मारने लगा। फिर हम गए पकड़ने साहेब, हमको भी मारा, झोंक दिया हमारे छोटे बच्चा की मारा साहेब, ही कान फाट गया, पूरा दांत टूट गया साहेब। हमारी बहुत देशनिकारी किया गरीब मनई के। कौन लोग थे वो लोग? ठाकुर है, नाम बताओ नाम। पीएम सिंह, प्रीतम सिंह, सुपाल सिंह, इसका दादा भगवती सिंह, श्याम सिंह उसके दादा का लड़का। साहेब मारो मारो इसको, मार लो हम देख लेंगे साहेब, यही बात है। और इसकी कोई कदिया ना लाए। अब साहेब हम न्याय चाहते हैं, कार्रवाई। हाँ उसको साहेब, उसको फांसी चाहते हैं हम, जैसे हमारा बच्चा गया ऐसे वो भी जाए। खाना नहीं चाहिए उसको, हम देखना नहीं चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अनीता देवी नाम है। आप क्या हैं? मम्मी है उसकी, सोनू की। गौरतलब है कि 24 साल के सोनू यादव ने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पर एक जाति को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था, जिससे इस बात को लेकर गांव के दूसरी जाति के लोगों में नाराजगी थी और उससे ये स्टेटस हटाने के लिए कहा, लेकिन सोनू यादव ने उसको नहीं हटाया। 26 जुलाई की शाम को इसकी शिकायत लेकर जब लोग सोनू के घर गए तो वहाँ गाली गलौच और मारपीट हो गई, जिसमें से एक ने सोनू के सिर पर डंडा मार दिया जिससे सोनू घायल हो गया। घर वालों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सोनू को अस्पताल पहुंचाया, जहां मंगलवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दिया जाने लगा। क्या पूरा मामला है, अभी तक कार्रवाई क्या हुआ? ये देखिए, ये जो एक मामला है जमुना पार का, इसमें 2 मित्र थे, 2 अलग अलग जातियों से संबंधित थे। उसमें एक स्टेटस पर गाना बजा और गाने को लेकर के ये हुआ कि ये गाना नहीं बजाओ, तो हुआ कि अब लड़कों में विवाद हो गया कि नहीं हम बजाएंगे या इस तरह को लेकर के, और उसमें एक लड़के ने एक लड़के को मार दिया, जिससे वो पहले से भी बीमार, ये बताया जाता है कुछ कमज़ोर था लड़का। हॉस्पिटल आया उसका, हॉस्पिटल में उसकी दवा के इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। इसमें लेकिन जो भी लोग दोषी पाए गए हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो यह जातिगत कोई इस तरह का नहीं है। यह 2 बच्चों का, 2 लड़कों का आपसी बातचीत को लेकर के विवाद हुआ था और जिसमें चोट सर में लग गई, जिससे ये मृत्यु हुई है। उसमें हमने सभी जो दोषी पाए गए हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको अरेस्ट कर लिया है और वो लोग जेल भेजे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तनाव नहीं है, हम निगरानी कर रहे हैं, हमारा काम है, हम उस पर शांति व्यवस्था कायम है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर वहाँ पर पुलिस की निगरानी है। यह 2 वर्गों का नहीं, ये 2 बच्चों का, 2 व्यक्तियों का विवाद था जिसमें घटना हुई। पुलिस ने इस मामले में शिशुपाल, प्रीतम सिंह, प्रियम सिंह और श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस मामले में आईजी केपी सिंह का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से गांव में फोर्स तैनात की गई है। पंजाब केसरी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।